हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ब्रिजवासी गर्ल। जैसे कि आप सभी पूछते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, या ऑयली स्किन है तब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, या आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है तब कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए एक ही मॉइस्चराइज़र लेकर के आई हूँ जो आप सबकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करेगा, आपकी स्किन के पीएच को भी ये बैलेंस रखेगा, आपकी स्किन पर जो बड़े लार्ज ओपन पोर्स हैं उनको ये कम करेगा, अगर आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट हैं, एक्ने हैं उसको भी ये कम करेगा। सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र इतना कुछ कर सकता है, आपकी स्किन टोन को पॉल्यूशन से और सन रेसेस से भी ये बचाएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ कैलामाइन लोशन की, और यहाँ मैं बात कर रही हूँ लैक्टो कैलामाइन लोशन की। कैलामाइन लोशन काफ़ी कंपनीज़ के आते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ करें। आज मैं बात कर रही हूँ लैक्टो कैलामाइन लोशन की। तो कैलामाइन लोशन बनता कैसे है? कैलामाइन लोशन में जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का ये स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है। इसे फिनॉल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें काओलिन क्ले होती है, एलोवेरा है और ग्रीसलीन होता है। तो ये जो सभी इंग्रेडिएंट हैं ये क्या काम करते हैं? जिंक ऑक्साइड आपकी स्किन से जो आपकी स्किन में जो पोर्स होते हैं वो गंदगी के, पॉल्यूशन के कारण जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उनके जमने की वजह से बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाते हैं तो वहीं जो आपका ऑयल है स्किन में वो सड़ने लगता है और इसकी वजह से आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये उन पोर्स को खोलता है जिसकी वजह से आपकी स्किन सांस ले पाती है और आपको एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये आपकी स्किन पर काम करता है इस तरीके से, और ये सन की वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं आपकी स्किन पर, उनसे बचाता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा आपकी स्किन को रिपेयर करती है क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है, तो आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करती है, आपकी स्किन के ये पीएच को भी बैलेंस करती है। काओलिन क्ले है, काओलिन क्ले आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल रखती है और ये आपके पोर्स को भी ट्रीट करती है। पोर्स जो बड़े लार्ज ओपन पोर्स होते हैं आपकी स्किन में, ये टाइटनिंग लाती है जिसकी वजह से जो आपके लार्ज ओपन पोर्स होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। जो भी डार्क स्पॉट होते हैं ये उन पर भी काम करती है, उनको भी ये रिमूव करती है। इसके अलावा इसमें है ग्रीसलीन। ग्रीसलीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट रखती है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं रहती है तो आपकी स्किन पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, रिंकल्स की, एंटी एजिंग की, ब्लेमिशेस की। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी ना तो आपकी स्किन पर काफ़ी कम चांसेस होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के आने के। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तब भी उसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो लैक्टो कैलामाइन लोशन के दो लोशन आते हैं, एक जो ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए होता है, एक होता है जो सेंसिटिव और ऑयली स्किन के लिए होता है। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। प्राइस में यहाँ पर आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि इनके जो साइज़ हैं ये काफ़ी आते हैं, तो आप जो साइज़ खरीदें प्राइस उसी के हिसाब से होगा। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगा, इसके अलावा ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वैसे ही आपको अपनी लोकल मार्केट में ही ईजीली मिल जाएगा। कॉलेज गोइंग गर्ल्स बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, बच्चों के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बड़े हैं, बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, कोई भी हर एक उम्र में यूज़ किया जा सकता है। ये आपकी स्किन से एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को दूर रखता है। इसके अलावा डेली में पॉल्यूशन की वजह से जितने भी नुकसान होते हैं हमारी स्किन को, उन्हें साथ के साथ ये रिपेयर करता है। अब बात करते हैं इसको अब यूज़ कब करना है। इसको आपको डे में, नाइट में कभी भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद 5 से 10 मिनट अपनी स्किन को छोड़ना है जिससे आपकी स्किन अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद में थोड़ा सा कैलामाइन लोशन को लेकर के 2 मिनट तक अपने फेस पर अच्छे से मसाज करें, फिर ऐसे ही छोड़ दें। ये टिंटेड कलर में होता है इसीलिए आपको लाइट कवरेज भी देता है, फाउंडेशन या बीबी सीसी क्रीम की तरह तो नहीं देगा लेकिन आपको हल्की सी लाइट कवरेज दे देता है। इसकी वजह से आपकी स्किन टोन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये काम करता है इस तरीके से। ये कोई भी स्टेरॉयड नहीं होता है, किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है जो आपकी स्किन को किसी भी तरह से हार्म करे। उम्मीद करती हूँ कैलामाइन लोशन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है जिससे मैं आगे से आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आ पाऊँ। वीडियो जुड़ा हुआ कोई और सवाल रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।